बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि जी से बहुत गहरा नाता है मेरा पिछले कई साल से, और एक परिवार का हिस्सा मैं मानता हूँ, जी का एक छोटा सा हिस्सा हूँ मैं भी। तो मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि मैं किसी ना किसी एक बहुत ही ख़ास तरीके से इस परिवार का हिस्सा हूँ। और आज चूँकि 25th एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम सब के लिए, जी परिवार के लिए बहुत बड़ा एक मौका है, बहुत बड़ा उत्सव है, तो बस एंजॉय कर रहे हैं। नॉमिनेट हुई है और अपने पहले बड़े अच्छे शो में, एंड आई एम रियली एक्साइटेड एंड आई एम हियर फॉर हर, एंड ऑफ कोर्स मेरी वाइफ है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं भी इसी प्रोफेशन से हूँ और इसके लिए ये सब एक नया एक्सपीरियंस है। सो आई वांट टू बी अ पार्ट इसके इस एक्सपीरियंस में, एंड आई एम हियर टू सपोर्ट हर एंड मेनी मोर सच नॉमिनेशंस टू हर बिकॉज शी इज़ अ फैबुलस एक्टर। और कैटेगरी आप खुद बताइए और अपने शो के बारे में भी कुछ बताइए। मैं उसी कैटेगरी में नॉमिनेट हुई हूँ जिस द रोल दैट आई एम प्लेइंग अ मदर, तो मैं बेस्ट माँ की कैटेगरी में नॉमिनेट हुई हूँ और आई गेस मैं अच्छे से निभा पा रही हूँ तभी मुझे नॉमिनेट किया गया। तो आई होप आई कैन कन्विंस पीपल दैट आई कैन बी अ गुड मॉम। मेरे घर पे मेरी मम्मी ये सुनकर बड़ी खुश हुई है कि इसको बेस्ट माँ के उसमें नॉमिनेट किया गया, सो बड़ी अच्छी, वेरी गुड, यू आर लर्निंग फास्ट। हाँ, हमारा नया शो आ रहा है दिल ढूंढता है 21 सितंबर से 10:30 PM एंड वी आर वेरी 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 एक्साइटेड एंड अपेरेंटली दिस इज माय फर्स्ट एवर शो इन हिंदी, सो मैं डेब्यू कर रहा हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हाँ, जी के साथ नया रिश्ता है और मतलब ऑब्वियसली ज़्यादा देर स्क्रीन से दूर रहना आई डोंट लाइक इट, एंड जो भी हमारा शो है वो बोला जाए तो मैं बहुत कुछ ऐसे नहीं बोलूँगी कि इट्स वेरी डिफरेंट, इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी स्वीट एंड आई थिंक इट विल कनेक्ट टू विद द ऑडियंस। सर, बहुत ही खास रिश्ता है, एक साल ख़त्म हो चुका है, दूसरा साल की शुरुआत है एंड आई बीन लकी कि इतना रेकमेंडेशन मिला, पूरी ऑडियंस है और जो भी सच ए गुड प्लेटफॉर्म आई गॉट फ्रॉम जी, सो बहुत ही खुशनसीब हूँ। वैसे दूसरी शाम है हमारी, पिछले बार हमारा शो यहीं से लॉन्च हुआ था तो ये बहुत ही स्पेशल मोमेंट है हमारे लिए, सेकंड टाइम, सो यार बहुत सारे मेमोरीज हैं। हाँ, ये हम दूसरी बार परफॉर्म, हमने पहले अवार्ड्स में भी परफॉर्म किया था, मैं तो हाथी के ऊपर एंट्री मारा था, इस बार तो शीन के साथ एंट्री मारी है, सो यार बहुत सारे यादें जुड़ी हैं जी से और जी रिश्ते से, तो होपफुली बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है आज की शाम में। अब हमारे शोज़ की जो नॉमिनेशंस है, बहुत सारे नॉमिनेशंस हुए, मैं नॉमिनेटेड हूँ, तो ऑफकोर्स अगर जीतता हूँ तो ये मेरा पहला अवार्ड होगा, तो ऑफकोर्स मैं एक्साइटेड हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। एक्साइटमेंट मेरी परफॉर्मेंस भी है और मैं बरेली की बर्फी का गाने पे परफॉर्म कर रही हूँ, के गाने पे परफॉर्म कर रही हूँ, और भूतू एक बहुत स्पेशल शो है, बहुत अच्छा शो है और आई जस्ट होप वो भी नॉमिनेटेड है बेस्ट शो में, इतनी जल्दी शायद ना मिल पाए अवार्ड, लेकिन या आई एम हैप्पी कि इतना अप्रिसिएशन मिल रहा है इस शो को। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक तो ये एक्चुअली हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि कोई रियलिटी शो इवन जो सास बहू के शोज आते हैं उनसे भी ऊपर गया है, और आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि हमारा शो सारेगामापा नंबर वन इंडियन टेलीविजन शो हो गया है, सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू यू नो सेलिब्रेटिंग, एंड आई एम ऑल्सो परफॉर्मिंग, तो मैं मेरे कुछ गाने परफॉर्म कर रही हूँ। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से, तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है, सदा रहना दिल में करीब होके, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है के लोग इतना प्यार दे रहे हैं शो को, और टेलीविज़न पे हमारा नंबर वन शो चल रहा है और इसी की वजह से शायद इतने महीने हमारा शो एक्सटेंड भी होता जा रहा है, और जी रिश्ते का ये बहुत ही स्पेशल ईयर है, 25वां जन्मदिन है जी टीवी का, सो हैप्पी बर्थडे टू जी, जिसमें से आई थिंक कुछ करीबन 10 साल मैं भी जी के साथ जुड़ा हूँ सारेगामापा के ज़रिए,
और यही उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही जी परिवार आगे बढ़ता रहे और आपके घरों तक, आपके दिलों तक पहुंचता रहे और उसका भी हम एक छोटा सा हिस्सा बने रहें। सी रिश्ते अवार्ड्स के लिए एक्चुअली हर अवार्ड्स के लिए एक्साइटमेंट होती है, हर एक्टर को ऑफ कोर्स, बट आज एक अलग तरह की एक्साइटमेंट थी बिकॉज दो इट इज़ अ जी टी वी अवार्ड, बट नागिन को एक स्पेशल अवार्ड मिला आज एंड इसलिए बहुत ज़्यादा खुशी हुई बिकॉज यू नो यूजुअली हर चैनल अपने शोज़ को अवार्ड देता है, बट जी टी वी ने आज नागिन को एक स्पेशल अवार्ड दिया which was really nice. So I was really really happy. Also Zee Rishte ki 25th salgirah hai, uske liye main unhe congratulate karna chahungi and isliye bhi main excited thi. Dekhiye meri to zindagi ek jab bachpan se maine pehla rupaya kamaya to Zee TV se kamaya kyunki main ek serial producer tha composer banne se pehle. To ye 700 gaane jo mere aaye usse pehle main ek serial producer tha jab मैं एक बच्चा था और फिर भी मुझे जी टी वी ने मौका दिया सीरियल प्रोड्यूस करने का और 7 ब्लॉकबस्टर हिट सीरियल्स मेरे जी टी वी पर आए एज ए सीरियल प्रोड्यूसर, जिसमें मैंने गाने कंपोज भी किए लेकिन प्रोड्यूस भी किए उन सीरियलों को. उसके बाद मुझे ब्रेक मिला म्यूज़िक देने का फिल्मों में सलमान भाई के ज़रिए. तो जी टी वी का बहुत बड़ा हाथ है मेरी करियर में बिकॉज एक पहले रुपए की कमाई जी टी वी पर एज ए सीरियल प्रोड्यूसर यहीं से हुई और साथ साथ मेरे जो 11-12 रियलिटी शोज़ हैं उसमें से बहुत ज़्यादा शोज़ एज अ जज जी टी वी के साथ है और ब्लॉकबस्टर हिट रहे हैं सारे गामा का हमारा जितने भी सीजन्स हमने किए हैं. तो जय माता दी लेट्स रॉक जो हमारा रिश्ता है जी के साथ, आज जी रिश्ते अवार्ड्स पे आके बहुत खुशी हो रही है और बहुत बहुत बधाई सुभाष जी को और पुनीत जी को जिन्होंने इतनी मेहनत की है और इतने सालों में जो आज 25 इयर्स में एक एक दिन एक एक घंटा. मैं अभी जब बैकस्टेज पुनीत जी के साथ था तभी भी मैं वही बात कर रहा था कि बहुत मेहनत बहुत ईमानदारी से उन्होंने काम किया है एंड हैट्स ऑफ टू देम. जी टी वी मेरी डेब्यू चैनल है, मेरा फर्स्ट शो, एक्टिंग का पहला चांस मुझे जी टी वी से मिला है. तो एक पुराना रिश्ता है, 25 साल जी टी वी को हो गए हैं और जी के साथ साथ एक यहाँ 20 साल से हूँ और रेड कार्पेट पर हूँ जी के साथ. सो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है इतने सालों के बाद वापस जी परिवार में आना और ये एहसास दिलाना कि भले ही हम कहीं और काम कर रहे हो फिर भी हम जी परिवार का हिस्सा हैं. तो ये फीलिंग एक बहुत अच्छी है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. मेरे को ऐसा सब नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है, छोटी बहू डेज वाले सब यादें वापस आ रही है. एक्साइटेड हूँ एक्चुअली, दिस इज माई फर्स्ट जी रिश्ते अवार्ड एंड आई एम नॉमिनेटेड इन सो मेनी कैटेगरी, सो आई एम रियली होपिंग की टुडे आई विल गेट एन अवार्ड एंड आई रियली होप दैट ही गेट्स वन. और आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी, इट्स फर्स्ट टाइम आई एम वर्किंग विद, एक्चुअली सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम वॉज when Zee brought me to Bombay from Delhi, Zee Cinestars ki khoj ke through, aur ab mera unke sath ye second time collaboration hai and I'm very excited. Aaj bahut hi bada celebration hai aur hum usme ek bahut bada part play kar rahe hain, so I'm excited and I'm nervous. Sabse pehle to meri dher sari shubhkamnaen Zee TV ko silver jubilee puri hone par. और दूसरी बड़ी खूबसूरत बात, जितना पुराना जी है उतना ही पुराना मेरा जी के साथ रिश्ता है क्योंकि जी का पहला शो तारा था और जी के साथ पहले शो तारा में भी मैंने काम किया और अब तक तकरीबन 12 शो में मैंने काम किया है. तो बहुत मज़ेदार रिश्ता है, बहुत पुराना रिश्ता है. बिल्कुल 25 ईयर्स हो गए हैं और उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं. जी रिश्ते अवार्ड में मैं तो हर साल आती हूँ और जी से एक रिश्ता बना है, जी के साथ काफ़ी शो किए हैं एंड जी की सीरियलें मुझे बहुत पसंद है, कुमकुम भाग्य है और बहुत सारे सीरियल्स हैं एंड अवार्ड लेते हैं, अवार्ड देते हैं एंड फैंटास्टिक. हाँ, 25 साल का जश्न है जी रिश्ते अवार्ड्स का, जी टीवी का, और ये बहुत बड़ी बात है. हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि हम इस मौके में आज सम्मिलित हो पा रहे हैं. विवेक ने जी टीवी की बहुत सी कहानियाँ सुनी है मुझसे. हाँ, इनके शो की दुल्हन की मैं कभी देख नहीं पाया हूँ, बट आई हैव सीन स्निपेट्स
ek scene do scene and what an incredible show that was it was hum abhi bhi uske very challenging abhi bhi hum us show ki baatein karte hain to mujhe bahut khushi hai ki main zee ka hissa bani thi aur aaj zee rishte awards ke aaj itne special day pe main aa payi hu excited hu काफ़ी पुराना रिश्ता है जी से नाउ दैट आई एम विद स्टार बट स्टिल नाउ जी हैज़ इनवाइटेड मी तो अच्छा लग रहा है एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट है क्योंकि जी के पास वापस आने की बात आई मीन जी हैज़ बीन माई फैमिली बहुत स्टार्टिंग से एंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है जी ने मेरी लाइफ में एंड नाइस टू बी हियर एंड हैप्पी बर्थडे जी टीवी मेनी मोर सक्सेसफुल इयर्स यू नो आई नेवर लेफ्ट अभी मैं इंडिया से जुड़वा कर रहा हूँ तो जी टीवी चाहता है कि मैं उनसे रिश्ते बना के रखो तो हम खुद हैरान हैं कि क्या होने वाला है बिकॉज हम तेनाली रामा से हैं और हम तो जी पे भी नहीं हैं बट जी नए रिश्ते बना रहे हैं दूसरे चैनलों से तो इसलिए हम भी आ गए हैं रिश्ता बनाने के लिए एंड आई होप लेट्स सी कैसा बनता है रिश्ता ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये मेरा पहला जी रिश्ते अवार्ड्स है हालांकि कभी एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली जी के साथ काम करने की अभी तक बट आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल कि उन्होंने हम सबको आमंत्रित किया हमारी टीम को एंड ऑल ऑफ अस आर हियर टू सेलिब्रेट जी रिश्ते अवार्ड्स टुडे कम आज की कलर थीम भाई काले में मैं सफ़ेद में हूँ सुबह ब्लैक एंड वाइट है मैं क्या बोलूँ आपको तो पता ही है मेरा कितना अच्छा अटूट पवित्र रिश्ता है जी टीवी के साथ बट येस दिस टाइम आई एम हियर आई एम परफॉर्मिंग आई एम एक्चुअली अनविलिंग द लोगो फॉर जी टीवी 25 ईयर्स कम्प्लीट हुए हैं तो मैं अपनी तरफ से एक उसमें इनपुट दे रही हूँ